हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.5 फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स के बारे में। देखिए, 2 9 जा कितना होता है 18, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 9 2 जा कितना होगा तब भी यहाँ पे होगा 18। ठीक है, अब देखिए डिवीजन फैक्ट, ये तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया कि इस किसी नंबर को मैंने पहले लिखा उसे बाद में लिखा, और किसी बाद वाले को पहले लिखा इसको बाद में लिखा। ठीक है ना, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिखा, तो आंसर कितना आएगा 18 आएगा। ठीक है, ऐसा ही हम डिवीज़न में कहते हैं, लेकिन डिवीज़न में हमारा आंसर सेम नहीं आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 लिखा, 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे कि इसका आंसर 9 आ जाए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब 18 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा 2। ठीक, मतलब कि 18 के जो दोनों फैक्टर्स हैं इस टाइम, ये कौन है 2 और 9। अगला है बी नंबर। बी में देखिए 6 7 जो कितना होता है 42, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42 और यहाँ पे लिखेंगे 7, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, हमें यही बताना है कि किन दो नंबर का मल्टीप्लाई आपका कितना है 42। वैसे आता तो सभी का है, लेकिन यहाँ पे इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 42, ठीक है, तो आप 42 लिख लेते हैं, यहाँ भी 42 लिख लेते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे 42 को तो कितना आएगा 7, 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। देखिए डिवीज़न फैक्ट्स में क्या होता है कि अगर मैं 42 को 7 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 6, और अगर मैं 42 को डिवाइड करूँगा, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हम क्या करेंगे, 5 में से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30, और यहाँ पे भी 30 आएगा, तो 30 में हम किसका मल्टीप्लाई करें, 6 का डिवाइड, तो 6 5 30। अब यहाँ पे दोनों जगह पे 30 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 30 को तो आंसर क्या आएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हम अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से 30 को डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला है थर्ड नंबर, 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि 24 आ जाए, तो 3 8 जाए 24, और 8 3 जाए 24, फिर यहाँ पे 24 लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे। डिवीज़न फैक्ट में 3 को डिवाइड करेंगे 24 से तो आंसर कितना आएगा 8, और 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो दोस्त ये हो गया वीडियो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 में।